आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट। न्यूज फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मर्जीना सिंह। आज मैं आई हूं संदेश सुधार सर से बात करेंगे। वार्ड नंबर 49 नगर सेवा के लिए काफी अच्छा ने काम किया, अपने वार्ड के लिए, अपनी जनता के लिए। और मन में एक बाथरूम था, उन महिला के लिए भी बहुत अच्छा है। उनको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है और काफ़ी अच्छा काम किए हैं। और वैक्सीन के लिए वो सेंटर ने था, वैक्सीन के लिए भी वो काम किए। आइए हम बात करते हैं सर, जो वैक्सीन किया आप सेंटर वो करे हो जनता के, आपको इसके बारे में क्या कहना? आपको मालूम है हमारे 49 वार्ड कितना बड़ा है जी। यहाँ से अक्सर तक अक्सर से अम्बुदवाड़ी वहाँ जी, अम्बुदवाड़ी वाले को भी तकलीफ होता है, मढ़ वाले को भी तकलीफ होता है। इसलिए एक मढ़ में सेंटर है, मढ़ चर्च के अंदर अभी एक साई विद्या मंदिर स्कूल है अक्सर में, वहाँ एक सेंटर खोल जी, वहाँ भी अभी 2-3 दिन में चालू होगा। वैक्सीन के लिए 2-3 दिन में चालू हो जाएगा, 3-4 दिन में चालू हो जाएगा। और उसकी बात आप टॉयलेट के लिए बात किया, मढ़ जेटी पे तलक्षा बंदर है, यहाँ आपको मालूम है मढ़ कुलेवाड़ा है, कुलेवाड़े के लोगों के 800-900 वोट है, 800-900 वोट है। एक वोट के अंदर 15 लोग रहते हैं, वो हिसाब से 15 लोग के हिसाब से 800 के हिसाब से कितना लोग रहते हैं, वो हिसाब से हम लोग को टॉयलेट बनाया। सुबह वोट नक्चे आपके द्वारा है, मुझे उधर टॉयलेट नहीं था, स्ट्रीट लाइट नहीं जी। वो लाइट का भी हम लोग फैसिलिटी कर रहे हैं, लाइट अभी अगले महीने में काम चालू हो जाएगा। टॉयलेट का चालू किया, टॉयलेट देने के हिसाब से हमारे बाथरूम सुधार में आदरणीय उद्धव साहब ठाकरे अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पालक मंत्री अपने युवा सेना प्रेरणा आदित्य साहब ठाकरे साहब है, उनके माध्यम से हम लोग संगठन से ये काम कर रहे हैं। हमारे साहब है मकरंद नगर से, उन्होंने भी बहुत अच्छा सहयोग किया, वो हिसाब से वो टॉयलेट बन गया। और जल सुधार वैसे भी हमने बाथरूम लोगों ने अपनी किया, अभी लोगों को उधर टॉयलेट की सुविधा करके दी। सर वो जो बाथरूम का सुविधा है बहुत आपको मेहनत करना पड़ा होगा ना सर? मेहनत क्या, सब जगह मेहनत करना ही पड़ता है, वो करने से लिए लोगों को कुछ करना है, लोगों के लिए फैसिलिटी करना है, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। कैमरामैन फहीम खान के साथ मर्जीना शेख, न्यूज़ पर बम्बई।